इसके अंदर क्या डाला हुआ है? प्याज और बटर, क्रीम और बटर, प्याज क्रीम, ये है जी पेस्ट्री। मज़ा आने वाला है तेरे को टिक्की खा के। फ्रेश पेस्ट्री मिलती है तो ये वो शॉप है। इस पत्ते का नाम है कनक चंपा, सेवन बोर्स मील का लास्ट गोलगप्पा, परफेक्ट है ना, बढ़िया भाई। तो भाई साहब आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे आइटम जहाँ पर स्पेशली लोग चाट वगैरह खाने के लिए आते हैं, गोलगप्पे खाने के लिए आते हैं। पहला स्पॉट है मेरा ये, कहाँ पर आया हूँ मैं, गर्ग चाट पे लेके, जो कि कौन सा सेक्टर है भाई? ये सेक्टर 23C की मार्केट में पड़ता है, सनातन धर्म मंदिर के सामने। जी हाँ, और किसके साथ आया हूँ भाई मैं? भुक्कड़ शर्मा जी के साथ आया हूँ। और भाई मतलब अगर आपको चंडीगढ़ ट्राई सिटी के बारे में कुछ जानना है ना, तो सर को फॉलो करो, क्योंकि चप्पा चप्पा छान लिया इन्होंने, हर जगह का खा लिया इन्होंने। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं इनकी सुपर क्रिस्पी टिक्की, साथ में इनकी एक मिक्स चाट है, वो दोनों कैसे बनती है, कितने रुपए की और टेस्ट कैसा है। चलिए, आलू की टिक्की, इसके अंदर स्टफिंग किस चीज़ की होती है? चने दाल। चने की दाल डालते हो? चने की दाल और मसाले होते हैं। और ये देख रहे हो साइज़, देख रहे हो टिक्की का, इस टिक्की को डाला जाएगा उस पत्ते के अंदर और बाकी सब चीज़ें डाल के सर्व किया जाता है। बन रही है मिक्स चाट, ये डाला जी भल्ला पहले, पापड़ी, पापड़ी में सौंठ लगाई है। कितने रुपए की आती है भैया ये मिक्स चाट? 60। हाँ जी 60, 60 रुपए की। और ये क्या चीज़ है? मूंग दाल की पकौड़ी। मूंग दाल की पकौड़ियाँ, ओए होए, चना, आलू, सारा कुछ मिक्स कर दिया है। और ये डल गया जी मसाला फर्स्ट क्लास, और ये डल गया जी दही ऊपर चाट। और भाई मतलब लोग स्पेशली खाने आते हैं स्पेशली ये चाट और गोलगप्पे इनके, और आलू की टिक्की की, आलू टिक्की तो मतलब लाजवाब है। लो जी तैयार हो गई हमारी मिक्स चाट आलू की, एक प्लेट में थोड़ा आप। आप देखो भाई कटिंग कैसे करेंगे भैया, ओए होए, अब देख रहे हो कि कितनी क्रिस्पी है, हाथ से नहीं टूटेगी। सारी की सारी टिक्कियां भैया ने तोड़ दी हैं फर्स्ट क्लास। अब ये आ गया भाई पत्ता, ये देखो भाई दो टिक्कियां आ गई इसके अंदर। क्या है? कनक चंपा। कनक चंपा, इस पत्ते का नाम है कनक चंपा। ओए होए भाई मतलब आज तो मतलब सिद्धार्थ मजा आने वाला है तेरे को टिक्की खा के। ये रही भाई आलू की टिक्की, क्रिस्पी आलू की टिक्की और साथ में मिक्स चाट। तो गर्ग चाट की, गर्ग चाट की मिक्स चाट है ये, 60 रुपए कीमत है। और भाई टेस्ट ऐसा कि आप बार बार आओगे, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। बल्ला गुल रहा है मुंह में, है डिसॉल्व हो रहा है मुंह में बल्ला, पता भी नहीं चल रहा, चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। बढ़िया, ये पापड़ी भुक्कड़ शर्मा जी खाएंगे और बताएंगे आपको। आप इनको फॉलो कर सकते हो, इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है। अगर आपको चंडीगढ़, जीरकपुर या मोहाली के बारे में कुछ जानना है, कहाँ कहाँ पे बढ़िया मिलता है, तो भाई साहब को फॉलो करो। जायकेदार है और बाहर से बिल्कुल सीधी क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, स्टफिंग लाजवाब है, मज़ेदार है, एकदम खाने के बाद जी चटाका लगने वाला है आप जोरदार। तो भाई मतलब ये हमारा पहला स्टॉप था, ये हमारा पहला स्टॉप था जहाँ पर आपको आना चाहिए और चाट वाट ट्राई करनी चाहिए। अब चलते हैं दूसरे फेमस जगह पे जहाँ पे लोग स्पेशली शाम को जाते हैं गोल गप्पे खाने के लिए और साथ में बाकी सब आइटम। चलिए भाई साहब, सेक्टर 34 राम चाट भंडार, जी हाँ सेक्टर 34 बूथ नंबर 35 पे आ चुके हैं। और यहाँ मिलता है भाई मन्नी, पता क्या, गोल गप्पे, वो भी 7 डिफरेंट पानी के साथ, 7 फ्लेवर्स वाले गोल गप्पे। तो ये 7 फ्लेवर है ना, आ जाओ जी एक ही करके आओ, सारे 7 फ्लेवर्स गोलगप्पे खाने आ जाओ। ये खाएंगे, मुझे कटोरी दे दो, मैं पानी पीऊंगा। ये देखो भाई जीरे का आ गया, जीरे वाला टेस्ट कर लेते हैं। एक प्लेट कितने रुपये की आती है? 60 के सर। और कितने का होता है उसके अंदर? 7 पीस। 7 होते हैं, मतलब वो एक एक फ्लेवर सारे आ जाते हैं। ये कौन सा पानी है? हींग का सर। हींग का भाई, ये ढक्कन जैसी खोला है ना, बहुत तगड़ी खुशबू आई है हींग की, वेरी गुड। ये देखो भाई हींग का चटकारा लेते हुए अनमोल जी, ये पुदीने का, ये है भाई पुदीने का, वाह भाई वाह। तो भाई 60 रुपए के अंदर 7 गोलगप्पे मिलते हैं और 7 तरीके का पानी है, तो सारे के सारे गोलगप्पे एक एक आ जाता है।
लेमन केवड़ा। वाह जी वाह भाई, ऐसे ऐसे फ्लेवर्स हैं जो आपने भाई कभी सुने ना होंगे। दिल्ली में तो तुम छोड़ ही दो, दिल्ली में गोलगप्पे बड़े फेमस है, लेकिन ऐसे पानी नहीं मिलते ऐसे फ्लेवर्स। लेमन केवड़ा बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया मजेदार। राई का पानी आ गया, ये आखिरी था, ये आखिरी था राई का। कौन सा? राई का पानी है कि राम चाट भंडार ऐसा है कि अगर आपको चाट वाट खानी है ना, आलू की टिक्की हो चाहे पालक पत्ता चाट हो, ऐसी चीज़ें खानी हो ना, तो आप कहाँ पे आना, आपको आपको बता दिया है, सेक्टर 34 चंडीगढ़, सेक्टर 34 की सी की मार्केट है ये, राम चाट भंडार पे आना आपको। ये लो जी, ये फाइनल है ना, ये लो भाई, ये देखो, ये दही भर के पूरा भरवा गोलगप्पा है ये। ये लास्ट सेवेंथ कोर्स मील का लास्ट वाला है। तो भाई राम के गोलगप्पे खाने के बाद अब मन कर रहा भाई कुछ बढ़िया सा, मतलब वेज और बढ़िया वाला, ऐसा कि दिल्ली की याद आ जाए। तो कहाँ पर आ गए जी हम? शानदार, जो कि वहीं से ही सीधा चलोगे ना तो लास्ट में एक दुकान पड़ती है जिसका नाम है शानदार रोल्स कबाब्स एंड करीज। यहाँ पर इनका वेज के अंदर सबसे बढ़िया है मलाई चाप, तो वही लगवाया हमने मलाई चाप। तंदूर के अंदर गया हुआ सीख, जैसे ही निकलेगा बाहर उसके बाद की प्रिपरेशन दिखाता हूँ और करते हैं टेस्ट। तो ये देखो भाई साहब, ये आ गई भाई हमारी मलाई चाप। जी हाँ, ये देखो भाई साहब, ये है भाई आगे का प्रोसेस जैसे मलाई चाप बनाई जाती है। इसके अंदर क्या डाला हुआ है? प्याज और बटर, क्रीम और बटर, प्याज क्रीम बटर और चाट मसाला। लो भाई, ये एक ऐसा आइटम है ये वाला जो कि काफ़ी पॉपुलर है, इनका मलाई चाप स्पेशली एकदम बढ़िया लच्छेदार जैसे कह रहे हैं वो वैसी है। चटनी वटनी लगा के बढ़िया से, 160 रुपए कीमत है इसकी एक प्लेट की मलाई चाप की। वैरायटी इनके पास बहुत है, दूसरी चापें भी है, तंदूरी चाप टाइप भी है, हरियाली चाप भी दिख रही है, तंदूरी चिकन वगैरह भी है इनके पास, मतलब वेज नॉन वेज दोनों है। आमतौर पर चाप को चबाना पड़ता है, दिस इज सॉफ्ट, मतलब शानदार है ना दुकान का नाम, मतलब सही है ना, शानदार क्या बात है। तो ये थी भाई हमारी तीसरी आइटम, लेयर वाली। हाँ, लेयर उतरती है, अगर आप उतारना चाहें तो लेयर बाय लेयर एक फुट ही समझ गए। चाप है, प्याज की एकदम बढ़िया सा क्रंच आ रहा है, साथ में दो तरह की सैलेड दे रखी है। और चटनी कैसी है? चटनी पुदीने वाली है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सी चटनी है, बढ़िया बढ़िया। कहाँ लेके जा रहे हैं? आपने मुझे बताया था कोई पेस्ट्री बनाता है, सेक्टर 32D, सेक्टर 32D चले, वहाँ पर कैंडी पेस्ट्री बार पर चल रही है। कैंडी पेस्ट्री, हाँ जी। क्या खास किया उसमें? खास ये है कि वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्रेश पेस्ट्री मिलने वाली है, जो आपने चाइल्ड जो मेमोरी होती है ना बचपन की, वो पाइन एप्पल वाली, हाँ जी, ब्लैक फॉरेस्ट जी, वैसी। तो फिर एक काम करते, कुछ यादें पुरानी ताज़ा करते और वहीं चल के एपिसोड को ख़त्म करेंगे। ये देखो भाई साहब, ये है जी पेस्ट्री जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जहाँ पे एकदम फ्रेश पेस्ट्री मिलती है, तो ये वो शॉप है। और ये देखो, ये पता क्या है? ये पता क्या है? बचपन का प्यार, ये पेस्ट्री नहीं है, बचपन का प्यार। यस एग्जैक्टली, बचपन का प्यार है ये। कहाँ पर आया? कैंडी पेस्ट्री पार्लर, जो कि 32D में है, राइट, चंडीगढ़। ये इन्होंने गरम करके दिए, हाँ, ये वो असली बचपन का फ्लेवर है यार। ये फ्लेवर कहीं ना कहीं आजकल ना पेस्ट्री में मिसिंग। मैंने ये पेस्ट्री 5 रुपए में खाई हुई है, पता है? यहाँ कितने की है ये? शायद मैंने 5 रुपए की खाई हुई है, जब ये 5 रुपए की थी, मुझे आज भी याद है कि सीरियसली कह रहा हूँ, ये मेमोरीज रिवाइव कर गई थी। 30 रुपए लेके जाता था, 6 पेस्ट्री पैक करा के लेके आता था और साथ में दो पैटीज पैक करा के लाता था। तो ये बचपन में पेस्ट्री ना आज भी मिलती है, कहीं ना कहीं टेस्ट अलग हो चुका है। आप टेस्ट बताएं, कैसा टेस्ट, कैसा फील आ रहा है खाने के बाद? बेस्ट पार्ट क्या है इस बेकरी का? बेस्ट पार्ट ये है कि ये लोग खुद बेक करते हैं और ये लोग उतना बेक करते हैं जितनी इनकी रोज़ की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए वो बेस्ट है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड मोहल्ला आपका, जिसमें आपको मैंने दिखाई ऐसी दो शॉप्स जिसके अंदर चाट गोलगप्पे बहुत फेमस है, पूरा चंडीगढ़ के अंदर फेमस है, राम और गर्ग। एक ऐसी शॉप जो सोया चाप बेचती है शानदार, और मतलब कि यू कैन इवन अवॉइड, क्योंकि चंडीगढ़ में सोया चाप, दिल्ली में भी सोया चाप बहुत फेमस है, तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा उस पर। और तीसरी ये वाली इम्पोर्टेंट बोलूँगा मैं इसको भी, क्योंकि देख के लग रही है, ये वाली पेस्ट्री मस्ट ट्राई है, उसको गर्म करवा देना। अगर आप पेस्ट्री के दीवाने हो ना, आपको केक चाहिए, कहीं से केक चाहिए, सिंपल केक, बेस्ट केक, तो फिर आप आ जाओ। कहाँ पर आना है?
कैंडी पेस्ट्री पार्लर, सेक्टर 32D चंडीगढ़।